बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टुडे न्यूज़ एचडी के साथ मैं अरसलान फहीम। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। सिंध में मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए ताहाल सरापा एहतजाज से हुकूमत ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी ना करने पर दादू में मुलाजमीन की जानिब से ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के लिए एहतजाजी मुजाहरा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस की अपील। तफसीलात के मुताबिक सिंध में रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी ना होने के खिलाफ दादू में रिटायरमेंट मुलाजमीन की जानिब से हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजों के दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन पीर मिठल, भाई खान और दीगर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अदलिया के अहकाम को हवा में उड़ा दिया। रिटायरमेंट मुलाजमीन ताहाल दर बदरी की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत सिंध इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करके हमें परेशान कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि रिटायर मुलाजमीन की मुतालबात को नोटिस लेकर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। ओ आप मुलाजमन के ग्रुप इंश्योरेंस जल्द से जल्द तैयारी का दे छो तहिनन ग्रुप इंश्योरेंस कमेटी दाई फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेखा बिना नतीजा खत्म थी भाई वरी है भी वरी भी इन कमेटी ठाईया असा जो चवण यो आ त असा जो पगार मा पैसा कटान सुप्रीम कोर्ट फैसलो दिनो आ तो वे मुलाजमन के पैसा वापस कया वजन असा चाहू था त असा के पजो हक दिनो वजे मुराद अली शाह असा के हक दे असा के हक न थो दे तवा दिसो सिंध हुकूमत वही दावा थी करे असा जमहूरत पसंद हूँ असा वा मसला हल क्या पर ही ग्रुप इंश्योरेंस का मसलो इन नजर में को अचे हजारे मानू ग्रुप इंश्योरेंस में रिटायर था हजारे मानू रिटायर थींदा सिंध जो वे में वो इशू ये ग्रुप इंश्योरेंस जो बेन सूबे में मिले तो असा के नो मिले मैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के यहाँ अपील कदस तो मेहरबानी कर नोटिस वी सिंध हुकूमत की कन में हट कर तो जी असा पैसा दियन इन कारकर्दगी।